हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स 2022-23। यहाँ पर मैं स्प्रिंट हो गया है, 2023 आ चुका है। तो 2022-23 का हम यहाँ पर सोल्यूशन करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स का। तो कॉपी और पेपर लेकर के आप कॉपी और पेन लेके सभी लोग तैयार हो जाइए और हम करेंगे वन बाई वन सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम आज के पेपर को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर से शुरुआत करेंगे आज के पेपर की और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है आज का वो पेपर जिसकी हम बात कर रहे थे। ओके, और हम आगे बढ़ाते हैं आज की क्लासेस को। ओके, तो ये है हमारा पेपर और क्लास 11th का ये जो पेपर आया हुआ था अभी 2022-23 में पूछा गया था। अप्रैल मंथ में इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आइए, हमने पेन भी सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, पार्ट वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाते हैं। कह रहा है कि समुच्चय वन के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसके उप समुच्चयों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर ये एक एलिमेंट है और उप समुच्चयों की संख्या के लिए जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, 2 to the power n। तो यहाँ पर 2 to the power एक एलिमेंट काम करेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर उप समुच्चय की संख्या दैट इज़ इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। उप समुच्चय को इंग्लिश में सबसेट्स बोलते हैं, तो सबसेट यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ओके, कह रहा ए और बी दो उप समुच्चय हैं, अगर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल कब होगा। भैया कह रहा है आपसे कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल कब होगा, मतलब ए और बी का कार्टिशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन जो है बी और ए के इक्वल कब होगा। कब होगा, जब ए जो होगा वो बी के बराबर होगा, तभी होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, सम्मिश्र संख्या माइनस आई का गुणन प्रतिलोम। तो बहुत ही सिंपल है, 1/-i आप कर दो और -i 1/ करोगे तो क्या कर सकते हो आप, इसका यहाँ पर i का मल्टीप्लाई और नीचे भी i का मल्टीप्लाई, तो ऊपर i बन जा i हो जाएगा, इधर i² -1 और -1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका, i आ गया। मतलब कि माइनस आई का जो गुणन प्रतिलोम आपको मिल रहा है ना, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं इंग्लिश में, कितना हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए ऑप्शन फिर से एक बार यहाँ पर क्वेश्चन, तो 1/i - i हो गया, आई का ऊपर आई का नीचे, तो कितना हो गया i² - 1 और एक प्लस 1 हो जाएगा, तो आई बिल्कुल सही है। एन पी वन का मान क्या होगा, देखते ही आग लगा दो इस क्वेश्चन में। एन पी वन की वैल्यू n होगी, a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में कुल पदों की संख्या। मैंने खूब चिल्ला चिल्ला के इस बात को बताया है कि पावर को एक से ज़्यादा कर लो तो n प्लस 1 हो जाएगा आंसर। a प्लस बी की पावर n के प्रसार में जो कुल पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, n प्लस 1। 2, 4, 8 का 8वां पद आपको बताना है। ओके, 2, 4, 8 का आपको 8वां पद बताना है। तो देखिए क्या है, जी पी बन रही है ना, तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। देखिए मतलब कुल मिला क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब जनरल नॉलेज लगा दो आप, कुछ करना भी नहीं है आपको। तो अगर 8वां पद क्या होगा, 2 की पावर 8 ही होगा। 2 की पावर 8 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई आपको 8 बार करना है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 8 निकाल लो भाई साहब कितना होता है। ओके, 2 की पावर 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 की पावर 2। 2 की पावर होता है 16 है ना, 4 कितना हो 16 की पावर 2 हो जाएगा और ये आंसर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। बहुत बच्चों ने इसका आंसर 512 लगा दिया होगा, क्योंकि 512 जो होता है वो 2 की पावर 9 हुआ करता है, मगर कन्फ्यूज़न में लगाते हैं बच्चे, गलतियां होती हैं। तो 2 की पावर 8 कितना हो गया, 256 हो गया। पहला पार्ट हो गया हम लोग का, फर्स्ट जो था क्या था, ऑब्जेक्टिव थे और सिलेक्ट करना था किसी एक सही को, हमने कर दिया है बहुत बढ़िया तरीके से। आइए अब करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। ओके, एन ए पी दिया है, एन बी सेट ऑफ बी इक्वल टू क्यू है, तो एन ए क्रॉस बी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कितना होता है पी इंटू क्यू होता है। सम्मिश्र संख्या -3 - 2i का संयुग्मि यानी कि कॉन्जुगेट कितना होगा भाई साहब, -3 + 2i। देन इसके बाद में आपको निकालना है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकेंड तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, NC12 = NC8 है, तो n आपको पता है ना, NCA = NCB होता है यदि, तो n इक्वल टू कितना होता है A + B, मैंने आपको बताई थी ये बात। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 + 8 हो जाएगा, बोले तो कितना आंसर होगा यहाँ पे, 20 हो जाएगा। दो रेखाएं जिनकी ढाल M1 और M2 हैं, अगर लंबवत है तो इनकी प्रवणता का गुणनफल कितना होता है, -1 होता है। निर्देशांश तल अंतरिक्ष को कितने भाग में, 8 भाग में विभाजित करता है, जिनको हम लोग अष्टक ऑक्टेट्स हिंदी में ऑक्टेव्स बोलते हैं, है ना। और देखो यहाँ पर आपसे dy/dx पूछा गया है x = 0 पर, बहुत ही शानदार। तो x = 0 पर सबसे पहले इसका अवकलन कर लो, dy/dx कितना हो जाएगा, 3x²
प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री प्लस जीरो है, उसको छोड़ दो। अब x की वैल्यू जीरो डाल दो तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो आंसर कितना बचेगा, थ्री बचेगा। एक बल्लेबाज द्वारा खेल में अधिकतम 60 रन न्यूनतम 46 रन बनाए गए हैं, तो रनों का परिसर, परिसर मतलब क्या होता है, रेंज होता है ना, रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो 60 माइनस 46 कर दो। ओके, तो 60 में से 46 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गए 4 बज गया, ये 5 बज, 5 में से 6 गए 1 बन, 14 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 14 आएगा, आंसर विल बी 14। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर टू, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए हैं। अब आइए देखते हैं सही जोड़ी बनाना है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, मज़ा आने वाला है भाई, अच्छे क्वेश्चन है, ईजी हैं, अच्छे नहीं हैं, ईजी हैं, है ना। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा भाई साहब, इन फाइव हो जाएगा, ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। 1075 कितना होता है, 1075 दैट इज इक्वल टू 1045 प्लस 30, तो जिन लोगों ने कर लिया होगा इसका ये आ जाएगा, साइन टू थीटा इक्वल टू फॉर्मूला दे दिया डायरेक्टली, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है पेपर भाई। कॉट 30 किसका होता है, 1030, 1030 होता है 1/√3, तो कॉट 30 कितना होता है, रूट थ्री, और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब बच्चों को तो मज़ा ही आ गया, और टूट पड़े होंगे बच्चे लोग एकदम, बिल्कुल लॉलीपॉप मिल गया क्वेश्चन एकदम, है ना। चलो आई की पावर 16, अगला लॉलीपॉप, आई की पावर 4 की पावर 4 बोले तो कितना 1 हो जाएगा। उस अक्ष की रेखा की ढाल का मान बताओ जो कि एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है, 1060 बोलो कितना होता है बच्चों, रूट थ्री, 1060 रूट थ्री। उस तल का नाम बताओ जिसमें बिंदु 102 है, तो वाई शहीद हो गया, मतलब कौन सा जेड तल है, एक्स जेड तल है, क्योंकि वाई मर चुका है यहाँ पे। लिमिट एक्स टेंस टू 1, लो भाई फालतू की बात, एक्स की पावर 1 हो जाएगा, तीन पावर यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 1 से 1 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। एफ एक्स इक्वल टू 3 पर एफ एक्स इक्वल टू 4x के अवकलज का मान, अब इसका अवकलन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, है ना। तो एफ डैश एक्स अवकलन करोगे तो 4x का कितना हो जाएगा, 4 × 1, बोले कि कितना, 4। अब कह रहा है इसकी वैल्यू 3 पर, अरे भाई साहब तो जो भी दे दो 3 पर निकालें, बट रखें कहाँ x का मान, कुछ रखने को है ही नहीं, मतलब आंसर इसका कितना आएगा, 4 ही आएगा। बड़ी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, आप सब लोगों को बन चुका है, इसलिए स्पीड में तो चलेंगे ही अपन, है ना, सारा सिलेबस मैंने कराया था बढ़िया से। आंकड़ों इतने का माध्य बताना है, क्या करना भाई, सबको जोड़ करके आधा कर दो, 6, 7, 13, 13, 10, 6, 7, 13, 13, 10, 23, 23 और 12 कितना, 23, 10, 33 और 32, 12, 35 हो गया, 35, 10, 45 और 3, 48, 48 और 4, 48, 48 और 4, 52, 52, 8, 60, 60 और 12, 72, 72 ऊपर हो गया, नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। तो भाई साहब मेरी समझ में आंसर 9 आ रहा है, अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है तो आंसर 9 होगा। एक सिक्का उछाला गया है केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, एक पासा फेंका जाता है, प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। वाह भाई साहब, कह रहा है कि केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, हाँ मतलब आपको कह रहा है कि जिस समय चित्त सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तभी एक पासा फेंका जाता है, ठीक है ना, ठीक है बहुत अच्छा। तो कह रहा कि प्रतिदर्श समष्टि लिखो, इसमें थोड़ी सी गलती हुई होगी। देखो भाई क्या है, एक सिक्का उछाला गया है, अब सिक्का उछाला गया है तो हेड भी होता है टेल भी होता है, मगर जब हेड आता है ना चित्त यानी कि हेड, तो हेड आता है तो पासा फेंकते हो, तो हेड में पासा फेंका तो पासे में 1 आ गया, हेड 1, ओके, फिर हेड 2 भी हो सकता है, हेड 3 भी हो सकता है, हेड 4 भी हो सकता है, हेड 5 भी हो सकता है, हेड 6 हो सकता है, और यदि कुछ नहीं हुआ तो क्या आएगा, टेल आएगा, टेल यानी पट आएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ तक लिख दिया होगा, टेल नहीं लिखा होगा, उनका आंसर गलत हो चुका है, क्योंकि टेल तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि पट नहीं आता है, उसने कहा केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त आता है तब पासा फेंका जाता है, तो टेल तो आएगा ना, आने दो टेल को, क्या दिक्कत है भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सिक्के को उछाल रहे हो और टेल बिल्कुल ना आने की संभावना ही जीरो हो जाए, ना ना ऐसा नहीं हो सकता है ना। चलो सत्य असत्य लिखो, ए क्रॉस फाई इक्वल टू ए, बिल्कुल गलत बात, ए का फाई के साथ जो क्रॉस होता है, कह रहा है कि ए बनेगा, अरे भाई फाई के साथ क्रॉस करोगे तो ए क्यों बनेगा, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। वह क्षेत्र जिसमें असमिका के संपूर्ण हल स्थित हों, वह असमिका का हल क्षेत्र कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक असमिका के दोनों पक्षों में असमिका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी व घटाई जा सकती हैं, सत्य बात है, बिल्कुल सही बात है। ए प्लस बी के एन के प्रसार में घातांकों का योग एन होता है ए और बी के, बिल्कुल सही बात है। एक्स और वाई अक्ष दोनों मिलकर के एक तल बनाते हैं, उनको वाई जेड तल बोलते हैं, बिल्कुल असत्य, एक्स वाई तल कहते हैं। एक प्रतिदर्श समष्टि की सरल घटनाएँ सदैव परस्पर अपवर्जी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। सरल घटनाएँ मतलब जो अकेले अकेले होती हैं, तो ऐसी घटनाएं जो होती हैं सदैव क्या होती हैं, परस्पर अपवर्जी ही हुआ करती हैं, तो ये भी क्या होगा,
सत्य होगा, ठीक है ना। मतलब क्या कह सकते हो, ये वाला समझ में आया तुम लोगों को, है ना। प्रतिदर्श समस्ती की सरल घटना है। सरल घटना है मतलब जैसे मान लो तुमने पासा फेंका, अब पासे में एक का आना, दो का आना, तीन का आना, चार का आना, पाँच का आना, छः का आना, है ना। तो देखो प्रतिदर्श समष्टि मतलब जिनमें कुछ कॉमन ना हो, तो जब एक आएगा तो दो नहीं आएगा, तो सही बात है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन तो हुआ नहीं ना, तो एक प्रतिदर्श समष्टि की सरल घटनाएं जो होती हैं वो सदैव क्या होती हैं, परस्पर अपवर्जी होती हैं। बात सही एकदम, ओके। तो ये हुआ हमारा पार्ट वन। पार्ट वन हमने मतलब कि ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोग देखो अपने अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखो, कितने मार्क्स आए हैं मुझे बताओ, है ना, कि कितने मार्क्स आप लोग के आए हैं। और पेपर तो बहुत आसान है, तो आप लोगों ने धूम मचा दी होगी पेपर में, ये बात तो मुझे कन्फर्म है। तो चलो फिर देर ना करते हुए अपने मार्क्स लिखो और बताओ भाई साहब कि कितने मार्क्स आए हैं। धन्यवाद।